नमस्कार। जन सरोकार मंच के सभी सुखी श्रोताओं, विचारकों का बहुत दिनों से आग्रह चल रहा था, अब टालना उसे दूभर हो गया। तो आज अशोक सक्सेना ही आपके बीच में है अपनी कुछ रचनाओं के साथ। आशा है हमेशा की तरह आप अपनी प्रतिक्रिया, अपने कमेंट्स से नवाजेंगे। इसी आशा के साथ मैं अपनी कुछ रचनाएं आपके समक्ष रख लूंगा। मेरी पहली रचना है कि तुम्हारी बात करते हुए अब नहीं महकती मेरी सांसों में, और ना ही देह से उठती है धानी गंध। तुम्हारी बात करते हुए अब नहीं महकती मेरी सांसें, ना ही देह से उठती है धानी गंध। व्यर्थ सा लगने लगा है, सांझ ढले देहरी पर दीप जला। पर बेबसी आज भी है, आंख भर आती है, आंखें भर आती हैं और तेरी याद से आद्र हो उठती हैं मेरे आंसुओं में। अब तो मन की दीवारों से भी उठने लगी है, एक सीलन भरी गंध। तेरी याद, आद्रता से बहुत बोझिल है, दूसरी कविता है मेरी कि एहसास जितने भी पिए आंखों से, वे आज भी स्मृति में शेष हैं। कि एहसास जितने भी पिए आंख से, वे आज भी स्मृति में शेष हैं। रगों में दौड़ते हैं, यह सच है कि मेरी निजी डायरी में सूखे फूल नहीं मिलेंगे। अब सूखे फूल नहीं मिलेंगे, पर पीड़ाओं ने जगाया है जो दृष्टिबोध, मैं स्वयं को किसी सीमा तक पूर्ण और संतुष्ट महसूस करने लगा हूं। पर पीड़ाओं ने जगाया है जो दृष्टिबोध, मैं स्वयं को किसी सीमा तक पूर्ण और संतुष्ट महसूस करने लगा हूं। जब भी झांकता हूं किसी सूखे कुएं में, देखता हूं कुछ पौधे उगे हैं। खुश हो जाता हूँ, कि हरियाली को जिंदा रखने की ताब इस सूखे कुएं में आज भी है, इसी प्रकार मेरी अन्य रचना है आपके सामने कि ढूंढोगे मिल जाएंगे, ऐसे लोग जिनकी आंखों में रोज पिघलता है सूरज। उनके आसमान की आकाशगंगा भी अब तो रक्तिम होती है,
और चांदनी निर्वासित है उनके जीवन से, ढूंढोगे तो मिल जाएंगे ऐसे लोग जिनकी आंखों में रोज पिघलता है सूरज, उनके आसमान की आकाश गंगा भी अब तो रक्तिम हो उठी है, और चांदनी निर्वासित है उनके जीवन से, उनके जीवन में नहीं है फुर्सत अपने होने ना होने के अर्थ ढूंढने, उनके जीवन में नहीं है फुर्सत अपने होने ना होने के अर्थ ढूंढने की, फिर भी उनकी आंखों में, फिर भी उनकी आंखों में रोज पिघलता है सूरज, फिर भी उनकी आंखों में रोज पिघलता है सूरज, एक सम्मानित जीवन के लिए जरूरी हो गया है, एक सम्मानित जीवन के लिए जरूरी हो गया है कि अब उनकी पीठ पर उभरी इबारत को ठीक से पढ़ा और समझ लिया जाए, एक सम्मानित जीवन के लिए जरूरी हो गया है कि अब उनकी पीठ पर उभरी इबारत को ठीक से पढ़ा और समझ लिया जाए। इसी प्रकार मेरी अन्य कविता है कि जीवन में बसंत आगमन से पूर्व, जीवन में बसंत आगमन से पूर्व तुम्हारे स्पर्श मात्र से ही मैंने चख लिया था तुम्हारी देहगन का स्वाद, कि बसंत आगमन से पूर्व ही तुम्हारे स्पर्श मात्र से ही मैंने चख लिया था तुम्हारी देहगन का स्वाद, ठीक वैसे ही जैसे, ठीक वैसे ही जैसे बसंत ऋतु से पूर्व ही मेरे बगीचे में खिल उठा था सेमल का फूल, ठीक वैसे ही जैसे बसंत ऋतु से पूर्व ही मेरे बगीचे में खिल उठा था सेमल का फूल, तुम्हारे चेहरे का रट्टा भी मेरे बगीचे में खिल उठा था सेमल का फूल, तुम्हारे चेहरे का रक्ताब लिए न जाने क्यों मैंने छू लिया था लाजवंती, न जाने क्यों मैंने छू लिया था लाजवंती को, कैसे तो सिमट गई थी वह, तुम्हें तो मैंने छुआ भी नहीं था फिर क्यों तुम सिहर कर सिमट गई, फिर क्यों तुम सिहर कर सिमट गई थी, बता सकोगी किस एहसास को जगाने की अनुप्रेरणा बनकर आई थी तुम, कि बता सकोगी कि किस एहसास को जगाने की अनुप्रेरणा बनकर आई थी तुम, कि एक स्पर्श और पूरा जीवन, एक स्पर्श और पूरा जीवन अभिशप्त हो गया, बता सकोगी तुम कि किस एहसास को जगाने की अनुप्रेरणा बनकर आई थी तुम, कि एक स्पर्श और पूरा जीवन अभिशप्त हो गया। इसी प्रकार की और छोटी प्रेम कविता है आस का इतिहास। जीवन में आस जितना हमें संवारती है, ताप देती है संघर्ष की, उतना विचलन भी साथ ले आती है। आस का इतिहास कि कभी देखा है तुमने किसी तारों भरी रात में आस का तारा टूटते, कभी देखा है तुमने किसी तारों भरी रात में आस का तारा टूटते, अपने तटबंध तोड़ बहने लगती है एक नदी, अपने तटबंध तोड़ बहने लगती एक नदी, भोर होने तक थम जाता है उसका प्रवाह, कि भोर होने तक थम जाता है उसका प्रवाह, बदल जाती है वह झील में, कि बदल जाती है वह एक झील में अपनी पथराई आंखों के साथ, कि बदल जाती है वह झील में अपनी पथराई आंखों के साथ, जब जब आता है मौसम बरसात का, कि जब जब मौसम आता है बरसात का,
फूटने लगते हैं उसकी देह के छाले, कि जब जब मौसम आता है बरसात का, फूटने लगते हैं उसकी देह के छाले, युगों से जीवित है वह झील, युगों से जीवित है वह झील अपने छालों के साथ, कि युगों से जीवित है वह झील अपने छालों के साथ आस का इतिहास। एक रचना और है कि बहुत तिलस्मी होता है, बहुत तिलस्मी होता है सुख भूल जाने, बहुत तिलस्मी होता है सुख भूल जाने का, या भुला दिए जाने, बहुत तिलस्मी होता है सुख भूल जाने का या भुला दिए जाने का। बहुत प्रसन्न हो गया था मैं, बहुत प्रसन्न हो गया था मैं, उतार फेंका था पीठ पर लदा बोरा, उतार फेंका था पीठ पर लदा बोरा, सच पीठ भी दर्द से कराहने लगी थी, सच पीठ भी दर्द से कराहने लगी थी, खुश था चलो आगे की यात्रा में नए अपरिचित मिलेंगे, खुश था चलो आगे की यात्रा में नए अपरिचित मिलेंगे, सचेत रहते हुए नए संबंध बनाऊंगा, कि सचेत रहते हुए नए संबंध बनाऊंगा, पर कुछ बदला नहीं, शायद कुछ बदलता ही नहीं, शायद कुछ बदलता ही नहीं, सिर्फ चेहरे ही बदलते हैं, सिर्फ चेहरे ही बदलते हैं, शायद मैं शापित हूँ, शायद मैं शापित हूँ विसंगतियों को अपनी पीठ पर ढोने के लिए, शायद मैं शापित हूँ विसंगतियों को अपनी पीठ पर ढोने के लिए, शायद मैं शापित। बस इस मुलाकात की अंतिम कविता पढ़ रहा हूँ मैं आपके सामने। वह स्वभाव से ही ऐसा था, वह स्वभाव से ही ऐसा था, राह चलते लोगों के आगे पीछे चलता, अपनी दुम हिलाता, प्रेम प्रदर्शित करता। वह स्वभाव से ही ऐसा था, राह चलते लोगों के आगे पीछे चलता, अपनी दुम हिलाता, प्रेम प्रदर्शित करता। किसी कुंठित प्रेमी ने पत्थर मार कर उसकी टांग चोटिल कर दी, किसी कुंठित प्रेमी ने पत्थर मार उसकी टांग चोटिल कर दी है, तब से घर के बाहर बैठा रहता है, तब से घर के बाहर बैठा रहता है अपनी आंखों में निरी पंडित, तब से घर के बाहर बैठा रहता है अपनी आंखों में निरीपन लिए, उसको लेकर मैं चिंतित रहता हूँ, उसको लेकर मैं चिंतित रहता हूँ, कहीं चला तो नहीं गया मैं, उसको लेकर मैं चिंतित रहता हूँ कि कहीं चला तो नहीं गया वह। ऐसे ही एक बिल्ली है, ऐसे ही एक बिल्ली है, जब मन चाहे आ जाती है घर में इधर उधर घूमती है, जब मन चाहे आ जाती है घर में इधर उधर घूमती है, अपनी आवाज से अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है, अपनी आवाज से अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है, जिस रोज वह नहीं आती, जिस रोज वह नहीं आती है उसके आने की बनी रहती है प्रतीक्षा, उसके आने की बनी रहती है प्रतीक्षा। नियत समय से गुजरता है एक बच्चा, नियत समय से गुजरता है एक बच्चा, अपनी दादी के साथ स्कूल ना जाने की जिद करता है, कि नियत समय से गुजरता है एक बच्चा, अपनी दादी के साथ स्कूल ना जाने की जिद करता, पर ना जाने क्यों वह मुझे देखता, मेरी तरफ हवा में हाथ हिलाता है और फिर पहुंच लेता है अपनी रोष भरी पनीरियां को। वह मुझे देखता, मेरी तरफ हवा में हाथ हिलाता है और फिर पहुंच लेता है अपनी रोष भरी
पनीली आंखों को मैं स्नेह से भर जाता हूँ। मैं स्नेह से भर जाता हूँ जब से तुम गई हो, मेरे मन की तरह झुलस गई है अपने लॉन की हरी को। जब से तुम गई हो, मेरे मन की तरह झुलस गई है अपने लॉन की हरी धूप। अब ये कुत्ता, बिल्ली और रोष भरी आंखों वाला बच्चा, अब ये कुत्ता, ये बिल्ली और रोष भरी आंखों वाला बच्चा मुझे समझाते हैं, मुझे समझाते हैं कि रिश्तों का अर्थ क्या है। अब ये कुत्ता, ये बिल्ली और ये रोष भरी आंखों वाला बच्चा मुझे समझाते हैं कि रिश्तों का अर्थ क्या है। नमस्कार, आज के लिए बस इतना सही। फिर आप लोगों का आदेश होगा तो मैं आपकी सेवा में आऊंगा, और जो कुछ लिख रहा हूँ कैसा भी आप कमेंट्स दीजिए। आभारी रहूँ। नमस्कार।